हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन एंड यू आर वाचिंग ब्यूटी एंड ब्लश बाय सिमरन। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हल्दी मेकअप लुक। सो सबसे पहले उसके लिए मैंने यूज़ किया है TNW का रोज टोनर। उसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लिया। उसके बाद मैं एक फ़ैन की हेल्प से अपने पूरे फेस को ड्राई कर रही हूँ ताकि जो टोनर है वो नेचुरली हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो अपने लिप्स को हाइड्रेट रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ TNW का लिप बाम, जिसे मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से मसाज कर रही हूँ ताकि जो हमारे लिप्स हैं वो हाइड्रेट हो जाएं और हमारे लिपस्टिक को एक अच्छा सा बेस मिल जाए। उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं अपने पूरे फेस पर। इसे अच्छे से अपने डॉटिंग मोशन में मैंने टीज़ोन एरिया पर लगा लिया है और अच्छे से मैं इसे अपने स्किन में मसाज कर रही हूँ ताकि हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और हमें एक फ्लॉलेस बेस प्रोवाइड करे। जो मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है वो है एम्ब्रोलेस का मॉइस्चराइज़र। हाई एंड में आता है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ब्राइडल को आप दे सकते हो। ये ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा है, मतलब मीडियम टू ड्राई स्किन के लिए है। इसके बाद हम रिकॉर्ड का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, टीज़ोन एरिया पर लगाया है और इसे मसाज नहीं करेंगे, सिर्फ अपने फेस पर स्प्रेड करेंगे ताकि एक अच्छे से लेयर क्रिएट हो जाए हमारे फेस पर और जो हमारे फाउंडेशन बेस हम यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन में जाकर उन्हें हार्म ना करें, लाइक पिंपल्स वगैरह ना हो। नॉर्मली हम अपनी वीडियोज़ में पहले या तो आई मेकअप करते हैं या फिर बेस करते हैं। आज हम कर रहे हैं आईब्रो फिलिंग, जिसके लिए मैंने ब्लैक और ब्राउन कलर मिक्स करके लिया है। पैलेट मैंने ली है शुगर की आई शेडो पैलेट और एक एंगुलर स्मॉल एंगुलर ब्रश लिया है, जिसके साथ एक स्पूली भी है। ब्रश जो है वो है पैक, नहीं प्लूम का ब्रश। पैक का भी सेम ब्रश आता है, ये भी प्लूम का ब्रश है लेकिन, ठीक है। अच्छे से हम इसे पहले नीचे की साइड एक लाइन दे रहे हैं, फिर ऊपर की साइड लाइन देके इसे अच्छे से फिल कर रहे हैं ब्लैक और ब्राउन कलर से। याद रखिएगा, खाली हम ब्लैक लेंगे तो वो बहुत डार्क हो जाएगा और खाली हम ब्राउन लेंगे तो वो थोड़ा लाइट हो जाएगा हमारी आईब्रोज से। जिस तरीके की आपकी आईब्रोज है, आईब्रो का कलर है, उस हिसाब से आपको कलर लेना है। आईब्रो फिल करने के बाद हम स्पूली से कॉम कर रहे हैं और फटाफट से दूसरी आईब्रो भी फिल कर रहे हैं। आईब्रो फिल करने के बाद हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आई मेकअप शुरू करने से पहले हमें लगाना होता है आई बेस। क्या होता है आई बेस से, हमारे कलर्स जो हम भी कलर्स यूज़ करते हैं, लाइक हल्दी मेकअप है तो थोड़ा कलरफुल आई मेकअप होने वाला है आज का। तो जैसे कि हम कलर्स यूज़ करते हैं तो वो थोड़े पॉपअप होके दिखते हैं, थोड़े निखर के आते हैं। तो बेस हमने जो लिया है फॉरएवर 52 की पैलेट में से लिया है, एक लाइट बेस लिया है। फॉरएवर 52 की एक कलर करेक्टर पैलेट है, ठीक है, कलर व्हील पैलेट भी बोलते हैं इसे। तो हमने अपने आईज़ पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लिया है अपने आईब्रोज को थोड़ा बचाकर, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं। इसके बाद मैंने लिया है HD पाउडर, ये लूज पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है, HD पाउडर है पैक का, जिसे अब मैं अपने आई बेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो हमारा आई बेस है वो लॉक हो जाए और हमारी आईज़ में क्रीज ना बने। उसके बाद मैंने ताहिती पैलेट ली है कार्निवल 3rd edition और लाइट पिंक शेड लिया है, जिसे मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से साथ साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्लू और रॉयल ब्लू कलर लिया है, थोड़ा सा नेवी ब्लू और रॉयल ब्लू को मिक्स करके आउटर कॉर्नर पे अपने अप्लाई करा है और साथ के साथ ब्लेंड किया है दोनों आईज़ में। मैं दोनों आईज़ साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अभी डिफरेंस ना आए। उसके बाद मैंने पर्पल कलर लिया है और इनके एंड्स को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, पिंक पर्पल एंड ब्लू। याद रखिए कौन कौन से कलर्स मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं लिया है डार्क ग्रीन कलर और थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर, पहले डार्क ग्रीन से थोड़ा सा अप्लाई कर लिया अपने ब्लू से थोड़ा सा आगे। उसके बाद मैं लूँगी एक लाइट ग्रीन कलर ग्रीन से थोड़ा आगे, ताकि एक ना सीरीज़ बन के निकले, लाइक ऐसा लगना चाहिए ब्लू में से ग्रीन निकल रहा है और ग्रीन में से लाइट ग्रीन निकल रहा है और लाइट ग्रीन में से अभी और कलर भी निकलेगा। देखना मैं कौन सा कलर यूज़ करती हूँ। अगर आपने अभी से गेस कर लिया तो मुझे कमेंट में बताइए। ये है येल्लो कलर, सो मैं येल्लो कलर यूज़ कर रही हूँ। येल्लो कलर मैं अपने इनर आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। अपने कलर्स जितने भी अप्लाई करेंगे वो सारे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैं लाइनर मस्कारा अभी नहीं कर रही हूँ, पहले मैं अपना आई बेस कर रही हूँ। क्या होगा ना, मैं लाइनर मस्कारा अभी कर लूँगी तो वो हमारे थोड़ा सा आईलिड्स पे लग जाएगा, इसलिए पहले मैं अपना बेस स्टार्ट कर रही हूँ। बेस के लिए मैंने कलर करेक्टर पैलेट ली है सेम उसकी फॉरएवर 52 की,
कलर व्हील पैलेट जिसे हम कलर व्हील भी बोलते हैं, ऑरेंज और डार्क ब्राउन, थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, मतलब मेरे जो पिगमेंटेशन है उससे दो शेड डार्कर शेड है। तो मैंने ऑरेंज और इसको मिक्स करके अपने पूरे पिगमेंटेशन पे जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी डार्कनेस लग रही है अपने पूरे फेस पे वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसी ब्रश से और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी ताकि एक स्मूथ सा कवरेज आ जाए हमारे फेस पर। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इस पर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं मेकअप की, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। वंस दिस इज डन, नाउ मूविंग ऑन टू द इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर क्या करता है, हमारे फेस पे एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। मैं अपने टी जोन पे लगा रही हूँ और अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। जो मैंने इल्यूमिनेटर यूज़ किया है वो है स्विस ब्यूटी का, नेचुरल एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल रेंज में है और बहुत ही अच्छा एक इल्यूमिनेटर है, नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। आज मैंने दो अलग फाउंडेशन यूज़ करी है जिसमें से नार्स का शेड है, एक बार्सिलोना जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा डार्क है, और एक है एली गर्ल का फेयर शेड जो मेरी स्किन से थोड़ा लाइट है। तो मिक्स करके मैंने दोनों को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है एक नॉर्मल ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश है, स्मॉल फ्लैट ब्रश। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड हमेशा डैपिंग मोशन में करना है, जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना अच्छा आपका मेकअप करके आएगा, निकल के आएगा। तो अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद हम इसे लॉक करेंगे लूज पाउडर से। उससे पहले मैं अपना कंटूर कर रही हूँ, क्रीम कंटूर, जिसके लिए मैंने वही पैलेट लिया और डार्क ब्राउन शेड लिया है। एज अ ब्रॉन्जर मैं कंटूर यूज़ कर रही हूँ अपने फॉरहेड पे, अपने नोज़ पे, अपने चीक बोन्स से थोड़ा सा नीचे अपनी जॉ लाइन पे अच्छे से मैंने कंटूर कर दिया क्रीम कंटूर। उसके बाद मैं पाउडर कंटूर ले रही हूँ जो है मैक का पाउडर कंटूर। उसे मैं अपने जहाँ जहाँ मैंने कंटूर किया है वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारे जो कंटूर है वो लॉक भी हो जाए, साथ के साथ अच्छे सा एक स्ट्रक्चर भी मिल जाए हमारे फेस को। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर। तो ब्लशर मैंने पिंक और पीच मिक्स करके लिया है, एज ऑलवेज मैं यूज़ करती हूँ जो, ठीक है। इसे अच्छे से अपने चीक्स बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ। आज थोड़ा सा ब्लशर मैं थोड़ा डार्क रख रही हूँ, मतलब नॉर्मल जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उससे थोड़ा सा डार्क, क्योंकि हम थोड़ा अपना बेस मेकअप भी थोड़ा हैवी कर रहे हैं ना, इसलिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर, जो मैं पहले करने वाली थी वो मैं अब कर रही हूँ। अब लूज़ पाउडर मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पाउडर प्रोडक्ट्स नहीं लगाए हैं, यानी कि मैंने अपना पाउडर कंटूर लगाया है, अपना ब्लशर लगाया है, उन एरिया को छोड़कर मैं बाकी सारे एरिया में अपना पाउडर से लॉक कर रही हूँ। लूज़ पाउडर जो मैंने लिया था वो था बनाना लूज़ पाउडर फॉरएवर 52 का ही। उसके बाद मैंने मेबलिन का काजल लिया है और एक पतले से ब्रश की हेल्प से पीछे से मैं उसे अपने अंडर आइज पे वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने एक स्मॉल पेंसिल ब्रश लिया और ब्लू कलर लिया, उसे अपने अंडर आइज में ब्लैक के साथ स्मच कर दिया। उसके बाद मैंने एक थोड़ा सा शिमर वाला ब्लू शेड लिया है और वहीं पे अप्लाई किया है, साथ के साथ ब्लेंड किया है अपने अंडर आइज में, ठीक है। उसके बाद मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर जो मैंने लिया है वो है रिकॉर्ड का पेन लाइनर, बहुत अच्छा लाइनर है ये। उसके बाद मैंने लिया एक फिक्सर, पैक का फिक्सर है, सेटिंग मिस्ट। उसके बाद मैंने होजो का हाइलाइटर लिया है। मैंने मिस्ट पहले इसलिए लगा दिया कि ताकि मेरा जो हाइलाइटर है वो निखर के आए तो मैं अपने टी जोन पे लगा रही हूँ सीधा शाइन ऑफ दिस हाइलाइटर। फर्स्ट टाइम मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, होजो का हाइलाइटर है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है अफोर्डेबल रेंज में। तो मैंने इसे अपने टीयर डक्ट और ब्राउ बोन पे अपना लगाया है, ठीक है। इसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक मैं लोकल ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। पिंक सा अच्छा सा शेड है जिसे मैंने अप्लाई किया है अपने लिप्स पर। सो यार, दिस इज़ माई फाइनल लुक। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।